खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के बदनौर से है, जहां पर रसद विभाग द्वारा गोदाम पर छापामार कार्रवाई कर 23 LPG सिलेंडर, 3 केस रिपलिंग मशीनें एवं एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा जब्त कर कार्रवाई को अंजाम दिया। खाद्य मंत्री राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार खाद्य दिनांक 17 सितंबर से 27 सितंबर तक गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर कार्रवाई करने के निर्देशों की अनुपालना में आज 24 सितंबर 2024 को अब्दुल सादिक जिला रसद अधिकारी ब्यावर के नेतृत्व में रसद विभाग के जांच दल ने एक स्थान पर छापामार कार्रवाई कर कुल 23 LPG सिलेंडर, 3 गैस रिपलिंग मशीनें एवं एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा जब्त किया। कार्रवाई के दौरान रसद विभाग ने महाराज राव जी की बावड़ी के पास बदनौर प्रोप्राइटर दीपक जायसवाल पुत्र प्रवीण जायसवाल के यहाँ पर रसद विभाग के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई और रसद विभाग ने 23 घरेलू सिलेंडर, 3 गैस रिपलिंग मशीन एवं एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा जब्त किया है। कुल 23 LPG सिलेंडर, 3 गैस रिपलिंग मशीन एवं एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा। वहीं आवासीय क्षेत्र में बिना वैध अनुज्ञा पत्र में बिना सक्षम स्वीकृति के सिलेंडर भंडारण करने पर LPG आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अवैध रूप से भंडारण एवं रिपलिंग करने पर 23 घरेलू सिलेंडर, 3 गैस रिपलिंग मशीनें एवं इलेक्ट्रॉनिक कांटा जब्त किया गया। चंद्रेश नाबेड़ा कार्मिक नाबेड़ा भारत के बदनौर को सुपुर्द किए गए। वहीं इस कार्रवाई में जांच दल में अधिकारी अब्दुल सादिक जिला रसद अधिकारी ब्यावर, मुरारी लाल पर्वतन निरीक्षक इस कार्रवाई में शामिल रहे। वहीं विभाग के निर्देशानुसार गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर निरंतर कार्रवाई जारी रहने की जिला रसद अधिकारी अब्दुल सादिक ने कहा है और गैस उपभोक्ताओं से अपील की गई कि गैस सिलेंडर का अवैध व सुरक्षित उपयोग करें। ब्यावर से संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट।